हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में करनाल के किसान भी वर्तमान में अपरंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान हर तरीके से सुदृढ़ होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसान को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो वहीं ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके और अपने आप को मजबूत बना सके। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर सरकार की तरफ से पिछले कई वर्षों में नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने का एक भरसक प्रयास किया गया है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अभी समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा होती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती और बागवानी में आगे बढ़ते हुए लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाएं लागू की है, जिनसे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। इसके अलावा कई फलों पर और सब्जियों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है। किसान अब यह समझ चुके हैं कि आधुनिक खेती के जरिए कम लागत में पारंपरिक फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक खेती से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को ये समझ आ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है। तो वही बात अगर हरियाणा के करनाल की करें तो जिला करनाल में तेजी के साथ बागवानी की तरफ किसान बढ़ते जा रहे हैं। किसान धान और गेहूं की खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि बागवानी की तरफ भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम आपको मिलवाते हैं करनाल की पूनम चीमा से, जो कि एक प्रगतिशील महिला किसान है। उन्होंने 2 एकड़ में 4000 से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं और इसकी खेती शुरू की है। इनके पति कुछ साल पहले आर्मी से रिटायर हुए थे, इसके बाद अब पूनम ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। पूनम का ये मानना है कि खेती में कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पानी का बचाव हो और साथ ही साथ फसल की गुणवत्ता बनी रहे। इसी मकसद से उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती को चुना, जिसमें ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी की बचत भी हो जाती है और लागत भी कम आती है। नमस्कार, मैं पूनम चीमा ग्राम समाना बाहू से। मेरे हस्बैंड 3 साल पहले आर्मी से एज ए कर्नल रिटायर हुए थे, और जब हम लोग यहाँ आए हैं गांव में, देखा तो सभी लोग एक ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पानी की बहुत ज़्यादा उसमें खपत थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पानी का बचाव भी हो और कुछ हट करके हो। इस वजह से हम लोगों ने 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया है, जिसमें कि हम लोग ड्रिप के थ्रू पानी देते हैं, पानी की भी बहुत कम लागत है। अदरवाइज अगर कोई और खेती करते धान वगैरह तो उसमें तो लाखों लीटर पानी लग जाता है, और इसमें मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है। जितनी पौधे को ज़रूरत होती है उतना ही हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट चलाते हैं, उसके बाद जब फ्रूटिंग टाइम है तब थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, अदरवाइज पानी बहुत कम ही लगता है इसमें। अगर देख रेख की बात की जाए, देख रेख किस प्रकार कर रहे हैं आप? देख रेख तो इस पौधे को इतनी भी बहुत ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है, पानी कम चाहिए, कटिंग टाइम पे होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रगतिशील महिला किसान पूनम चीमा ने बताया कि वह आने वाले समय में बागवानी में मिक्स्ड फ्रूट की खेती भी करने वाली है। तो वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, जो कि घातक बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है और सक्षम रहता है, और इसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर पाई जाती है। खेती और भी है, बागवानी में भी हम लोग सोच रहे हैं मिक्स फ्रूट का लगाने का, और ड्रैगन फ्रूट का आजकल चल रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि आए दिन डेंगू है या कैंसर वगैरह जो प्रॉब्लम है, ये एक सुपर फूड की कैटेगरी में आ जाता है, कैंसर सेल्स को भी सप्रेस करता है, और जितने इसमें हमारी बॉडी को मिनरल्स न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत है, कैल्शियम आयरन वगैरह इसमें बहुत कुछ है, और प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है। तो वही पूनम चीमा ने कहा कि एक पौधे से 4 से 5 फल अभी उन्हें मिल पा रहे हैं, जिसकी मात्रा आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है, और अभी फिलहाल उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक ड्रैगन फ्रूट की पैदावार मिल रही है, जिसकी मार्केट में भी अच्छी कीमत है। उन्होंने कहा कि उनका रुझान ऑर्गेनिक खेती की तरफ है, जिसमें वे पूरे तरीके से बायो प्रोडक्ट्स का प्रयोग करती हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी में मेहनत भले ही करनी पड़े, लेकिन आने वाले समय में बागवानी की मांग बढ़ रही है और मार्केट भी अच्छा है। एक पौधे से कोई करीब 4-5 तो निकल ही रहे हैं। मार्केटिंग कहाँ करते हो आप?
मार्केटिंग अभी तो इसमें हमारा इतना फ्रूट नहीं है कि मार्केट में भेजा जाए, पर फिर भी हम लोग कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़ मिलकर के आए हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर या ऑनवर्ड्स हमारा अगर फ्रूटिंग बढ़ती है तो मार्केट है या नहीं। वैसे अभी कितना निकला है आपका? अभी हम लोग करीब करीब 2 क्विंटल के आसपास, 2-2.5 क्विंटल के आसपास निकल चुके हैं। हम लोग ऑर्गेनिक खेती में ही जा रहे हैं, सारा जितना हमारे बायो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, काउडंग है, गोबर का खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, जीवरस है, इस टाइप से जितने भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें थोड़ी सी शुरुआत में लागत ज़्यादा है और पौधे भी केयर मांगते हैं, ये नहीं है कि लगा करके छोड़ दिया, डेली आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत वाला काम है, पर आने वाले टाइम में। मनोहर, सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस रहता है कि किसानों को किस तरीके से समझाया जाए कि क्या उनके लिए लाभकारी है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। लाभार्थी किसान अब आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज्यादा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मनोहर, सरकार का प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर अब बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से भी जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं, किसानों को जागरूक किया जाता है और किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। तो वही कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते अब किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों की बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल हो चला है और सरकार के जन कल्याणकारी कदमों का ये परिणाम किसानों को फायदे के रूप में साक्षात मिलता दिखाई दे रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से सब्सिडी देना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें किसानों को राहत राशि दी जाती है, जिसके चलते किसान को अब नुकसान या फिर घाटे का डर नहीं सताता, जिससे किसान नुकसान के डर से मुक्त हो जाता है और किसानों को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर सरकार काम कर रही है, उसी लक्ष्य की बदौलत आज किसान तेजी के साथ खुद का विकास कर रहा है और सरकार के साथ चल रहा है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में किसी वरदान से कम नहीं है और इन्हीं योजनाओं की बदौलत किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से उठाए गए कल्याणकारी कदमों का ही ये परिणाम है जो किसानों को आज के समय में फायदे के रूप में मिल रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मनोहर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे किसान को किसी तरीके का कोई भय नहीं रहता। सब्सिडी की वजह से किसान नुकसान के डर से चिंता मुक्त हो जाता है और साथ ही किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का साक्षात धरातल पर हो रहा है। आज के समय में अगर धरातल पर देखा जाए तो किसान सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल कर लाभ अर्जित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और लगातार तरक्की करता रहे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। इसी की बदौलत लगातार सरकार प्रयास करती जा रही है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर सरकार आगे बढ़ रही है, उसी लक्ष्य के साथ साथ किसान भी मजबूत बनता जा रहा है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है। मनोहर सरकार की ये योजनाएं किसानों के लिए आज के समय में वरदान साबित हो रही है।